मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान का बेटा और प्रदेश सरकार को किसान हितेशी सरकार बताते नहीं थकते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ताजा घटनाक्रम बैतूल जिले के चिचोली का है, जहां खाद निगम भोपाल की लापरवाही से किसानों को सोसाइटी में बेचे हुए गेहूं की फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आर्थिक रूप से परेशान किसान अपनी बकाया राशि के लिए सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। वहीं सेवा समिति चिचोली के अधिकारी राजेंद्र माकोडे ने बताया कि 27 किसानों के करीब 58 लाख रुपए हैं निगम द्वारा राशि नहीं आने से किसानों का पैसा बकाया है। हालांकि राहत के तौर पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध करा दिया है ताकि वह खरीफ की बोवानी कर सके। चल मैं अब वहाँ सोसाइटी में कोई बोलने वाला है नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे। किसानों ने 1.5 महीने हो गया गेहूं ना, आज तक के वो उनके खाते में आधा पैसा आया आधा नहीं आया। ये लिंकिंग क्या है किसान कोई नहीं जानता। उसने तो माल नापा, उसको पैसे चाहिए भाई। उनने 100 कुंटल माल नापा तो उसका 1,90,000 रुपये चाहिए, उसके तरफ 1 लाख रुपया। तो आप 50,000 काट रहे हो तो 50,000 आज तक के क्यों नहीं आया खाते, जबकि वो 7 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। अब किसान परेशान हो रहा, आधा पैसा मिल गया उसको आधा नहीं मिला। तो ये किसकी गलती हो गई है इसमें? ये प्रशासन की गलती है, नागरिक आपूर्ति निगम की गलती है, जो माल खरीदा जो भुगतान करती है, उनने आज तक के किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले। किसान परेशान है, खाद बीज नहीं मिल रही उनको, उनके कईयों के अभी डिफाल्टर हैं। जब तक के वो पैसा नहीं आएगा जब तक के डिफाल्टर ही रहेंगे, इसलिए भटक रहे। तो ऐसे कितने किसान होंगे आपकी निगाह में? जी सर 27 किसान है। 27 किसान की जानकारी है आपको? हाँ। है ना? हाँ। तो आप बैंक के चक्कर लगा रहे हो? जी बाकी सर। आप एक महीने से बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ, तो अभी क्या आपको बोनी करना है? अभी बोनी करना है, तो अभी मुझे बोनी करना है तो बीज लेना है। हाँ। तो मैं बीज कहाँ से लूँ? जितने पैसे का गेहूँ बेचा था उतने पैसे तो यहीं कट गए सब। अच्छा। अब मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे इलाज कराना है, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? सोसाइटी में जाऊँ तो सोसाइटी वाले भगा रहे मुझे। हाँ। और बैंक जाऊँ तो बैंक वाले भगा रहे, बोल रहे तुम पे तो लोन है, कहाँ से दूँ तुम्हें लोन? हाँ सर, ये रामचरण यादव निवारी वाले, इनके ये बहुत परेशान है, इनको खाद बीज नहीं मिल रहा है, बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है सर? इनने गेहूँ बेचा था समर्थन मूल्य में, गेहूँ खरीदी में, तो इनकी लिंकिंग वसूली मतलब जो हमारे सोसाइटी का बाकी ऋण रह जाता है वो पैसा कटता है इनका, वो पैसा कटा है इनका, और इनको जो टोटल अमाउंट मिलना है तो बाकी का अमाउंट इनको मिल चुका है उनके खाते में, और लिंकिंग वसूली जो सोसाइटी के खाते में जमा होती है वो राशि अभी नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त नहीं हुई है हमें, इसी कारण इनका खाता पूर्ण चुकता हुआ नहीं है, जिससे इनके कारण इनको नगद पैसा लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने शासन को लिस्ट भेज दी गए, ऐसे 27 किसान हैं, 27-28 किसान हैं, इनकी लिस्ट भेज दी है, इनका पैसा जल्दी से जल्दी आ जाएगा। बाकी हमने तात्कालिक व्यवस्था के हिसाब से इनको खाद बीज दे दिया है, कुछ देना है कुछ लोगों को, तो मतलब इनका काम चल जाए। बाकी नगद पैसे का लेन देन तो तभी होगा जब इनका खाता चुकता होगा, इनकी बची शेष राशि हमारे खाते में आएगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।